इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद अब ट्रेन में महिला पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। एक ट्रेन में ट्रैवल टिकट एग्जामिनर टीटी ने एक यात्री महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। इस दौरान टीटी ने नशे में धुत था। इस हरकत के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला रविवार 12 मार्च 2023 को अकाल तख्त एक्सप्रेस 12317 का है। इस ट्रेन में एक महिला अपने पति और उप स्टेशन अधीक्षक राजेश कुमार के साथ सफर कर रही थी। ये दोनों अमृतसर से कोलकाता जा रहे थे। जीआरपी अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान शराब के नशे में धुत एक टीटीई ने महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। ट्रेन लखनऊ से करीब 2 घंटे की दूरी पर थी और देर रात का समय था। इसके बाद जब महिला ने शोर मचाया तो अन्य यात्री भी वहां पहुंच गए। आरोपी टीटीई की पहचान बिहार के मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद टीटीई को चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सौंप दिया गया और इसके बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ड्यूटी के बाद उसे सहारनपुर जंक्शन पर उतरना था। इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने टीटीई को रेलवे के उप स्टेशन अधीक्षक की पत्नी पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 352, 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के पति द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार दोनों एसी 2 टीए के कोच नंबर A1 में बर्थ संख्या 31 और 32 पर यात्रा कर रहे थे। लगभग 12:30 बजे बर्थ संख्या 41 पर खड़े टीटीई मेरी पत्नी के पास आए और उनके सिर पर पेशाब कर दिया।